गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज जो मेरे बैकग्राउंड में आप लोकेशन देख रहे होंगे ये है चमेरा डैम, और काफ़ी ये फेमस डैम है हिमाचल में। तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, और आप अगर नियर बाय लोकेशन बता दूँ तो बनीक है, तो चंबा के नियर बाय पड़ता है ये। और अभी हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, पूरी टॉप व्यू से दिखा रहा हूँ आपको मैं। देखो भाई, क्या ऊपर से ज़बरदस्त नज़ारा है ये, ज़बरदस्त तरीके से भाई। क्या मतलब, इतनी चिल चिल हवा और बिल्कुल ऊपर से ऐसा व्यू, पहाड़ों के बीच में ये चमेरा बांध, चमेरा प्रोजेक्ट है। और अभी हम आपको इसके बिल्कुल रूबरू करवाएंगे, इसके साथ साथ चलकर। और इधर हमारे साथ कुछ हमारे फ्रेंड हैं। ये देखो, आज हमारी गाड़ी दुल्हन बनी हुई है, ये प्रिंस है, ठीक है। और ये हमारे दूल्हे राजा हैं, जो कि आज जिनके साथ हम। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और ये हमारे जिया जी हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये हमारे जसवीर सिंह पठानिया, जो कि हमारे ब्लॉग में आज पहली बार आ रहे हैं। और साथ साथ में एंजॉय करेंगे हम इसके, जब डैम के साथ साथ में हम थोड़ी देर ड्राइव करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। जया जी बताएंगे प्रोजेक्ट कब से कहाँ तक स्टार्ट हुआ। जी थोड़ा सा बताओ इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये सामने दिख रही है ना, ये चमेरा प्रोजेक्ट है। इस जगह का नाम चोड़ है, यहाँ पे बांध बनाया हुआ है। यहाँ से पानी तमीज से होकर सीधा आगे खैरी स्टेशन अंडरग्राउंड वहाँ जाता है, और वहाँ से आवर उसको बिजली निकल के आगे फिर जे एंड के की तरफ चला जाता है पानी। अच्छा, पानी जे एंड के की तरफ जाता है। ये नदी जम्मू कश्मीर को आगे निकल जाती है, फिर आगे जाके पाकिस्तान में मिलती है। अच्छा, पाकिस्तान में। अच्छा, रावी नदी है, रावी नदी पे बना हुआ है। 580 मेगावाट का ये चमेरा फर्स्ट बांध बना है, और बिजली इसमें 580 के बजाय 620 मेगावाट तक बिजली की आउटपुट निकल रही है। यहाँ से काफ़ी अच्छी बिजली पे पैदावार होती है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था ना, कि थोड़ा सा डिटेल में जिया जी को ज़्यादा पता है, तो उन्होंने पूरा ये डिस्क्राइब किया है कि है ना, कैसे कैसे इस बांध को, ये पूरा जो पानी है नीचे खैरी प्रोजेक्ट में जाता है। कैसे यहाँ से रोका हुआ ना, यहाँ से टनल के 3 टनल बनी हुई है यहाँ पर। उस सुरंग के माध्यम से नीचे खैरी स्टेशन है, वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ से पावर हाउस में बिजली बन के फिर आगे पानी को छोड़ दिया जाता है उसको। उसके बाद ये पानी आगे माधोपुर होता हुआ ये पंजाब, और पंजाब से जब जे एंड के से होकर फिर पाकिस्तान की तस्वीर में निकल जाती है। तो समझ गए होंगे आप, है ना, पूरा डिटेल में बता दिया आपको। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। सो आगे की जर्नी एंजॉय करते हैं। सुना डिब्बे रबड़ सोनी ब्यूटी ऑफ नेचर। ये वाटरफॉल, ये देखिए आप, कितना प्यारा वाटरफॉल है यहाँ पे। और ये पूरा, ये जो हमारा डैम है, ये उसी के अगल बगल है। आप देख रहे हो कि कैसे ऊपर से जो रावी नदी आती है, तो कितनी मात्रा में ये पूरे पूरे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे साथ में लेके आती है। ओवरऑल पूरा यहाँ पे जो लकड़ी के लट्ठे हैं वो एक साइड हो जाते हैं, या फिर नीचे जो मेन डैम है जो पुल के पास, वहाँ पे जाले में फंस जाते हैं।